वाला ले रही हूँ, आई लव मॉम, ये वाला कर दीजिए उसमें थोड़ा सा। यूट्यूब चैनल आप सबके से उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे, तो अप्पी ने मुझसे बोला है कि मम्मी के लिए केक बनवाना है, तो मैं केक का ऑर्डर देने जा रही हूँ। और हाँ, ये डेज होते हैं और सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मम्मी लोग को बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल फील होता है कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और कुछ नहीं, उनको छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी मिल जाती है। आप नहीं, आपके पास अब घर पर छोटा मोटा कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाप बहुत ज़्यादा स्पेशल करें या बहुत बड़ा करें। मम्मी लोग छोटी मोटी चीज़ों से भी खुश हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं और ऑर्डर देकर आते हैं, निकलते हैं। देखिए लोग, ये पेड़ लेकर आए थे और ये वो छुई में होता है ना, वही है। देख रही है, इसकी लीव्स बंद हो जाएंगी, मैं इसको छूँगी, बंद हो ना, मैं इसको टच करूँगी तो ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो रहा है, इसको ही बंद होगा। अरे आपने तो पूरा पेड़ हिला के रख दिया। ये देखिए सारे बंद हो गए, देखिए सब बंद हो गए। धूम नहीं रही, वो छुई मुई है, वो छूने से बस तोड़ दोगे आप भी। गाड़ी का लगा था, मेरा फोन बज गया, अभी चला जाता। हम लोग ऑर्डर देंगे। हम लोग आज भी आए हैं मोजो केक पे, क्योंकि लास्ट टाइम जो समन का केक बना था वो काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए फिर से हम लोग वापस से आए हैं। इतने सारे केक ऑलरेडी हैं, तो मैं सोच रही हूँ बनवाने से अच्छा है इसमें से ही कोई चूज कर लेती हूँ। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं आगे कौन सा लेना है। वाला ले रही हूँ आई लव मॉम, ये वाला कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा वैसा मेल्ट सा लग रहा है। और एक ये माँ वाला भी है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये चॉकलेट है और ये था ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये वाला करवा लेती हूँ। हाँ, ये पैक कर दीजिए। लास्ट टाइम जो आपके से केक ले गए थे ना, वो काफ़ी अच्छा था। सो गाइस, हम लोग ने मम्मी के लिए केक ले लिया है, मम्मी को जाकर थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा केक इसको रख देते हैं। मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, चलते हैं, क्योंकि बंदे खुला है। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। आज मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मम्मी के रिएक्शन सही नहीं आ रहे। और अप्पी वीडियो कॉल पे, अप्पी ने भी केक भेजा है दोनों की तरफ से। हम लोग लेकर आए हैं। क्यों, कितने केक लाओगे? तुम भी ले आई हो क्या? फिर क्यों बोल रही हो? गिफ्ट देगी, ठीक है। दो चार बलून फुला लूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो वही फुला रही हूँ। सब वीडियो कॉल पे है अब भी। तीन चार बलून फुला लिए, अब थोड़ा सा सेलिब्रेट करने में अच्छा लगेगा। और ये सब लोग ऐड हो गए, और एक यहाँ पे भी है, ये एक मदर, ये भी हमारी लेटी हुई है। हैप्पी मदर्स डे उमर, को शर्म करो, अपनी मम्मी के लिए एक केक नहीं ला सकते हो? हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे टू यू। वाला गाना गाओ, नहीं दौलत शौहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। पापा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं मम्मी से कपड़े तो चेंज कर लेती। पापा, मम्मी को हम लोग ने सरप्राइज दिया हुआ है, मम्मी की सबसे प्यारी बेटी समन। मम्मी मेरा नाम भूल गई। छोटी वाली ने मम्मी को केक भी नहीं खिलाया। मम्मी एक बार और खिला दो। मम्मी को नहीं खिलाया क्यों? मम्मी को तो खिलाओ, ये है ना अप्पी जुड़ी है। अप्पी है पापा, अप्पी भी है, ये है सारे दिख लोग। पापा और ये मम्मी, ये उंगलियां चाटते हुए लड़की। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था मम्मी। गाइस, हम लोगों ने कर लिया है मदर्स डे सेलिब्रेट। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मम्मी को हम लोग ने सरप्राइज दे दिया और मम्मी खुश हो गई। मम्मी को पता भी नहीं था, मैंने और अप्पी ने मिलकर अप्पी मम्मी को सरप्राइज दिया। अभी देखते हैं छोटी छोटी क्या करती है। इन लोग को भी नहीं पता था, इन लोग को भी नहीं, हम लोग ने बताया था। तो अब चलते हैं, घर निकलते हैं और अपनी दूसरी वाली मम्मी को भी सरप्राइज दे देते हैं। थैंक यू, वेलकम मम्मी। जा रहे और हाँ, टकलू वगैरह नहीं, यहाँ दिखाइए। पापा अपने पापा को बाय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पापा
बाय अरिबा, बाय लाफिस, बाय, ठीक है लाफिस, बाय लाफिस। अरिबा अपनी नानी के घर जा रही है, लाफिस, घर आइएगा ठीक है, बाय बेबी। अरे यार वो फोन खराब हो गया था मुन्ना भाई, बताइए। हाँ नहीं करे सही है, ये रोज लेकर आए, ये मेरे लिए नहीं है मम्मी के लिए, हम मम्मी के लिए मंगाया है। अब मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए केक लेने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का तो केक कट हो गया था, मम्मी का केक दूसरी वाली मम्मी का केक कट करवाते हैं, तो फिर से मौजू जाते हैं। क्योंकि जो पहले थे इतने सारे, वो सारे खत्म हो गए हैं, समय में लग रहा बिक गए हैं या ऑर्डर वाले होंगे, तो इसको पैक कराने। गाइस केक ले लिया है, अब चलते हैं घर। हम लोग आ गए हैं घर के बाहर, और ये जो रोज है ना, ये देंगे आज इनसे कहा जा रहा है कि मम्मी को आप दोगे रोज, मम्मी को इन्होंने तो विश भी नहीं किया मम्मी को, तो हम लोगों ने कहा रोज ही दे दीजिए, मम्मी खुश हो जाएंगी, और आज इनसे रोज दिलवाते हैं मम्मी को। चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी हैंड वॉश कर रही है। मम्मी किस लिए है पता है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हम लोग केक भी लेकर आए हैं आपके लिए। आप तैयार हो जाइए, फिर केक कट करते हैं। मम्मी का केक, मम्मी आपको कैसा लगा सरप्राइज? कट करिए, कट करिए, पहली पहली बार काट रही है। लीजिए नाइफ उठाइए। चलिए हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स। जैसे कि आपने देखा मदर्स डे का केक भी कट हो गया था, और सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से हो गया था, दोनों मम्मी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि होता है जब बच्चे सरप्राइज़ देते हैं तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी मैं ऊपर टेरेस पे आई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो दिखाते चाय बनाई थी, तो मैं चाय लेकर ऊपर ही आ गई, और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा चाय इन्जॉय करने क्यों ना ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो ये आ गए, ये कहने लगे चलो सदर चलते हैं, तो वहीं जाने के लिए भी रेडी हुए हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो वो भी हम लोग लौट कर आते हैं, तो वो पढ़ के सुनाएंगे। और इन्होंने भी डिसाइड कर लिया है ये अब बीआरडी रखेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मना कर दिया। तो चलिए वहाँ से आकर आते हैं, और फिर अपन साथ में कॉमेंट पढ़ते हैं बैठ कर। मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई थी, और ये देखिए गाड़ी की हालत क्या हुई, पानी तो धुलवाई देती है, अभी बारिश से खराब हो गई। बारिश से खराब? अभी कब धुलवा कर लाया? अभी शाम गई। हम लोग आए सदर की चौपाटी पे, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल था, और यहाँ हमेशा की तरह बिजली लगी रहती है। अभी हम लोगों ने खाया गोलगप्पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। खाने में आज तायरी बना रहे हैं, जब मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। तायरी बनी है। कॉफ़ी बाइट आए थे, और ये अभी न्यू मेन्यू बना हुआ है, दिखाइए ये वाला, सीधा करके दिखाइए। तो अभी हम लोग ले रहे हैं चौको ब्राउनी, उस दिन मैं खा कर गई थी, मुझे बहुत पसंद आया, तो ये कहने लगे कि आज हम भी चलते हैं और खा कर देखते हैं, तो अभी हम लोग यही पे। जी भैया सत्य और फरीन आई है, और फरीन कैसी हो शादी के बाद, कैसा बढ़िया चल रहा है सब? अभी फरीन रुकने, हाँ हम लोग भी बहुत मिस कर रहे थे, और अप्पी भी आई है। अप्पी आप कैसी हैं?
अप्पी से तो मुझे मिलने आना था, हम सोच रहे थे आएंगे और फिर आ नहीं पाए, अप्पी आ गई। अच्छा, आंटी भी आई। आंटी आप कैसी हैं? आंटी से हम बहुत दिन से सोच रहे थे मिलने जाएंगे। शादी में नहीं, शादी में वो उसमें हल्दी में भी आएंगे। आंटी रो रही थी ना, साइड वाला फेस था, आंटी से इंट्रो करा देते हैं। हाँ तो आंटी, अब हम आपसे बहुत अब आएंगे, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अब आपको आना है महोबा? हाँ महोबा, फरीन के ससुराल महोबा, इसलिए फरीन महोबा बुला रही है। चलिए फिर इंतजार कर रहे थे क्या आएंगे। गोदी 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 डल रही है। फरीन कितने चावल इकट्ठा? फरीन बहुत सारे चावल इकट्ठा हो गए होंगे ना। हाँ हम लोग के अभी पूरा वो कनेस्टर ना जो है ना वो भर गया राशन इकट्ठा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मदर्स डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। मैं सोच रही थी कमेंट पढ़ के बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कमेंट पढ़ के नहीं बता रही हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी वो ये है कि हम लोग इस संडे को अपना मीटअप रख रहे हैं, और मीटअप होने वाला है कॉफ़ी बाइट सदर पर। सदर कॉफ़ी बाइट वो वाला जो नारायण चाट वाली लाइन पे, याद रहे मैंने भी यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड किया है। तो आप लोग जो जो इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आइएगा मुझसे मिलने, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उस दिन भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो आप सभी लोग व्लॉग में भी आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे से मुलाकात भी होगी। और ज़रूर आइएगा, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मैं, याद रहे संडे को आना है। बाय बाय, लाफ़।